Hey guys, welcome back to the channel. और आज हमारा दूसरा दिन है और हम लोग जस्ट मेरे पीछे यह है पैंगोंग लेक और यहाँ पे काफ़ी सारे टेंट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे टेंट्स लगे हुए हैं और प्लस इसके ऊपर एक पूरा ग्लेशियर दिख रहा है और ठंड इतनी कीड़ी पड़ रही है क्या बताऊँ। सो गाइज, ये जो लेक है ये 145 किलोमीटर के अराउंड लेक है, ये जो आगे जा रही है यहाँ तक, और जो इंडिया के हिस्से में आती है 45 किलोमीटर की लेक आती है और बाकी के 100 किलोमीटर चाइना के हिस्से में आती है। तो ये लेक जो है अब ये सीधे चाइना की तरफ जा रही है, इससे आगे चाइना बॉर्डर लग जाता है। जिस टेंट पे हम लोग रुके हैं उस पर बॉन फायर की व्यवस्था तो है नहीं, लेट्स सी क्या रात को होता है, कैसे मौज लेते हैं। सो गाइस, दिस इज द टेंट, बेसिकली स्विस कैंप है यहाँ पे। सही है, पता नहीं इसे ठंड रुकेगी नहीं रुकेगी, ये तो रात को ही पता लगेगा। बड़े लोग बोल रहे हैं रजाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और वॉशरूम्स भी ठीक है, ठीक ठाक वॉशरूम्स हैं। वाह, सोफ़ा सेट भी दिया हुआ है। सो बेसिकली जो ये टेंट्स हैं इनका प्राइस जो है आपको 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। अभी ऑफ सीजन है तो थोड़ा सा सस्ता है, 2000 तक आपको मिल सकता है, बट सीजन के टाइम में ये प्राइस डबल भी हो जाता है। तो यहाँ पे कई प्रकार के टेंट है, एक तो है आपका प्रॉपर कपड़े वाला और प्लस ऊपर जो टेंट्स हैं, जो ये टेंट्स हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं तो उसमें थोड़ी ठंड कम लगेगी। गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा दूसरा दिन है और हम लोग पैंगोंग लेक पे है। कल रात हम यहाँ पहुँचे थे जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। सो यहाँ पे एक्चुअली हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है, सर दर्द रहता है, हेडेक रहता है, कभी कभी फीवर भी आ सकता है ठंड की वजह से। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। थोड़ी सी तबीयत सुबह ख़राब हो गई थी तो मैं जल्दी नहीं उठ पाया और अभी मैंने पैरासीटामोल ली है और अभी बज रहे हैं अराउंड 11 के आसपास। और अभी हम लोगों का प्लान यह है कि अभी हम लोग नीचे लेक पे जाएंगे और उसके बाद कोई वहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे लेक ले। सो अभी हम जो जिस रिजॉर्ट पे रुके हुए हैं उसका नाम तो मुझे अभी दिख नहीं रहा कहीं पे, लेकिन मैं अभी पूछ के बताता हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे वर्ल्ड एटिक कैंप पर रुका हुआ हूँ और थैंक्स टू दीदी, यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम खत्म हो गया था, स्टिल उन्होंने मेरे लिए फटाफट टोस्ट बना दिया और अभी मैं टोस्ट करके खा के सीधे जाएंगे। हैं है तो दे दो, चाय बनी हुई है क्या इसमें केतली में? चाय है, चाय दे देना साथ में थोड़ी सी। तो गाइस, यहाँ पे खाना भी अच्छा है और लोग भी अच्छे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ आ सकते हो। नंबर मैं आपको दे दूंगा, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप मुझे पिंग करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी मैं तुरंत फटाफट टोस्ट खा लेता हूँ और मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं, हम लोग पैंगोंग लेक जाने वाले हैं, इसके बाद हम सीधे ले जाएंगे। सो गाइस, जो आपको पीछे टेंट्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ से यहाँ तक थोड़ा पैदल आना पड़ता है, अगर आप चाहो तो गाड़ी से भी आ सकते हो, बट एक पॉइंट के बाद गाड़ी अलाउड नहीं होती आगे। तो अभी हम जस्ट लेक के सामने हैं, एज यू कैन सी, वाओ अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो भाई जी, वही प्लेस है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी, जब करीना स्कूटर लेके नहीं आती, आपको याद होगा। तो यही प्लेस है, वहाँ से करीना के स्कूटर लेके आती है। और यहाँ पे इस लेक की खास बात यह है कि ये लेक कलर चेंज करती है। अभी हम लोग वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, जो स्कूटर्स वगैरह रखे हुए हैं वहाँ पे लोग फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, और पहले हम लोग लेक के थोड़ा पास जाके व्यू वगैरह देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर वहाँ। सो गाइस, एज यू कैन सी लेक का पानी बहुत ज़्यादा क्लीन है, बट बहुत ज़्यादा खारा भी है और बहुत ही कलरफुल है। मतलब अगर आप पास से देख रहे हो तो थोड़ा ये वाइट लग रहा है, बट आप थोड़ा दूर देखना स्टार्ट करते हो तो कलर चेंज होते हैं। एज यू कैन सी थोड़ा ब्लू दिख रहा है, नेवी ब्लू, हल्का लाइट ब्लू, थोड़ा आई थिंक सन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग इसका कलर चेंज होता है, होते रहता है। सो गाइस, लेक के बीच में टापू सा बना हुआ है, अभी मैं वहाँ पे आ गया हूँ
यहाँ से चारों ओर मेरे लेक है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, और अमेजिंग माउंटेन चारों ओर से, कहीं पे ग्लेशियर दिख रहे हैं, एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है, बिलीव मी और नॉट, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। जिस कैंप्स में हम लोग रुके हुए हैं वो कैंप्स यहाँ पे लगे हुए थे एज यू कैन सी, और एक और कैंप होते हैं यहाँ पे, एक और कैंपिंग यहाँ पे अवेलेबल है, बट हम लोग इस कैंप में इसलिए रुके थे बिकॉज यहाँ पे जो स्पॉट है, यहाँ पे थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी, काफ़ी फेमस स्पॉट है, थोड़ा सा ऑफ रोड करके आना पड़ता है, रोड थोड़ी सी ख़राब है बट स्टिल वर्थ है आना। यहाँ पे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी है, जैसे आर्चे है, और प्लस यहाँ पे जो मैंने बताया था फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर सकते हो स्कूटर में बैठ के, जो करीना कपूर थ्री इडियट्स मूवी में बैठ के आती है, सेम स्कूटर्स भी हैं, इसका जो रेट है वह 50 रुपीज़ पर क्लिक का लेते हैं, और प्लस जो थ्री इडियट वाला साइन है इसमें पीछे मुड़ के खिंच जाते हैं वो 100 रुपीज़ का है, ऐसे ही 100-150 रुपये पर हेड के हिसाब से यहाँ पे फोटो क्लिक कराने का चार्ज। टडन 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 टडन, अरे अरे अरे, आगे आगे आगे, लोग रुको 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 रुको, भाई साहब किधर किधर किधर, अरे सर किधर, अरे सर निकाल ले दो, आरसी 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 निकाल, आरसी जल्दी, ये डीएल है भाई साहब, आपकी आरसी किधर है भाई? सर आरसी भी है सर, अरे सर कहां रह गई आरसी, आरसी नहीं मिल रही सर, भाई साहब काम पे तो सारा कुछ नहीं मिलता, और ये क्या लड़कियों की ड्रेस लेके घूम रहे हो भाई साहब, क्या है यार ये, अरे छोड़ दो आज, छोड़ो सर, किधर काम से आ रहा हूं मैं, क्या चक्की से लेके घूम रहे हो, क्या है भाई साहब, छोड़ दो ना, काम से आ रहा हूं मैं, थोड़ा सा पीला स्कूटर लेके कौन काम पे जाता है भाई, पीला स्कूटर है भाई साहब, सही साला मिल रहा है, देख लो सारे डीले पड़े हुए जरा हमारे, क्या तरीका है यार ये, आरसी दिखाओ, ये हाफ टी शर्ट पहन के कोई चलने की, छोड़ो छोड़ो, पता है कौन सा सेक्शन चल रहा है, कौन से नगर 370 का जब हुआ है उसके बाद से हाथ, जैसे कि अभी यहाँ पे लेक का कलर, दो कलर्स दिख रहे हैं इसमें, एक डार्क नेवी ब्लू है, दूसरा कौन सा यार, डार्क ब्लू और डीप ब्लू, सी ब्लू टाइप का, तो अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं, एक रेड भी दिखा, और हम कहाँ पे, हाँ ये देखो इधर साइड, लेफ्ट इधर साइड पे अलग कलर आ रहा है, और बीच बीच में ब्राउन भी आ रहा है कहीं पे ना, अमेजिंग यार, नेचर का भी कुदरत का क्या वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, कुदरत का करिश्मा, सो गाइस लेक में फोटोग्राफी वगैरह करके शुभम भाई ने हमें बड़ी अच्छी डील दिलाई वहाँ पे, शुभम कहाँ है, कैमरे में भी नहीं आ रहा, शुभम कहाँ है, शुभम भाई ने बड़ी अच्छी डील दिलाई, जम के फोटोग्राफी करी हमने, स्कूटर क्या 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 क्या, क्या था वो थ्री डेट वाले, जो भी तीन चार चीज़ें होती हो, खुजाने वाला टाइप का नहीं होता कुछ, हो हाँ सब मैं फोटोग्राफी वगैरह करी मस्त करके, अभी हम निकल रहे हैं वापस, और वो थे हमारे कैंप जहाँ हम रुके हुए थे, बाय बाय कैंप्स, मे बी नेक्स्ट टाइम। सो गाइस यहाँ पे कोई बाइकर्स की बाइक खराब हो गई है, तो हम लोग उनकी हेल्प करने के लिए रुके हुए हैं, आई थिंक कुछ स्क्रू ढीला हो गया है, कुछ बुलेट में प्रॉब्लम आ गई है, हो गया भैया, आई थिंक उनका कोई स्क्रू ढीला हो गया, इसकी वजह से लेग गार्ड बहुत ज्यादा हिल रहा है, तो बट हम प्रॉपर वो प्रॉपर स्क्रू जो होता है वाला मिला नहीं हमको, सो फिर भी जितना हो सकता था ट्राई किया कसने का उसे, और अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। तो गाइस ये जो स्पॉट है यहाँ पे जब तक है जाम मूवी की शूटिंग हुई थी, अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो, अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कौन सी जगह पे वो शूट किया था, बट यही वो एरिया जहाँ पे उन लोगों ने शूट किया था, अभी इतना कुछ है नहीं यहाँ पे इसलिए हम रुक नहीं रहे बिकॉज जल्दी ले भी पहुँचे, ऊद बिलाव बोलते ना इनको, पेंगोंग लेक से ले जाने के दो रूट है, एक है खरदुंगला पास, एक है चांगला पास, खरदुंगला पास से हम आते वक्त आए थे, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड है,
और जो सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो है चांगला पास, जो कि 17,688 फीट की हाइट पे है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। वाह, बहुत ठंड है यहाँ पे। और एक सामने ग्लेशियर है, वो बताते हैं कि वो पूरे सीजन भर जमा रहता है बर्फ, उसमें कभी भी पिघलता नहीं है। खरदुंगला के कंपैरिजन में ये चांगला वाला जो रूट है वो काफ़ी ऑफ रोड है, काफ़ी टफ है, और प्लस ऊपर से इसमें स्नो भी काफ़ी जमी रहती है, और चारों तरफ पथरीला रास्ता है, पथरीले पहाड़ हैं, और लैंडस्लाइड का भी बहुत खतरा है। तो ये रूट ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू खरदुंगला, बट वही है कि अगर आप आते हो और ऐसी एडवेंचरस रोड का मज़ा नहीं लेते हो तो क्या फ़ायदा है आने का, है कि नहीं है। सो गाइस, फाइनली हम लोग लेह पहुंच गए हैं, और रास्ता जो था काफ़ी अच्छा था, कुछ जो पैच था ऑफ रोडिंग का उसके बाद काफ़ी अच्छी रोड आ गई थी। गया मैं जी, प्लीज वाईफाई चलवा दिया सर? वाईफाई वहीं से कनेक्शन कर दिया है, जहाँ से दिया था ना। अच्छा, वहीं से कटिंग है सर, यहाँ से तो चालू करने का होगा नहीं, फिर फायदा क्या। ठीक ठीक। सो गाइस, बेसिकली यहाँ पे होटल्स वगैरह सारे बंद हो गए हैं, और सीज़न ऑफ होने की वजह से तो वाईफाई वगैरह भी इन लोगों ने बंद कर दिया। देखते हैं अभी क्या करना है आगे। हम लोग सेम होटल पे आए हुए हैं जहाँ पे हम लोग पहले दिन रुके हुए थे, बिकॉज नोन भी थे और सीधे हमने सोचा ही आ जाते हैं। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि जो चंगला पास के बाद जो रोड है वो काफ़ी लंबी एक ऑफ रोडिंग है, प्रॉपर रोड नहीं है, काफ़ी पथरीली रोड है, ख़राब रोड है, बट उसके बाद जो पैच खत्म हो जाता है उसके बाद बहुत ही बढ़िया रोड है, बहुत मक्खन रोड है बेसिकली, और उसके वैली स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो जाती है, तो वो थोड़ा ठीक से महसूस भी होता है, और उसके बाद लेह तक आप इजीली पहुंच जाते हो। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लेह, और अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसका डिनर विनर करके कल देखते हैं प्लान क्या बनता है। प्लान हम ये कर रहे हैं शायद कारगिल से निकले, या फिर मे बी हम कल यहाँ पे सिटी टूर करें। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, मैं यहाँ पे वर्ल्ड एटिक कैंप पर रुका हुआ हूँ, और थैंक्स टू दीदी यहाँ पे अरे तीसरी बात चौड़ जो होती है थोड़ी कम होती है, ठीक है।